मैं हूं एसपी पांडे, आप देख रहे हैं सच 24 इंडिया। अब समाचार अयोध्या से। निर्माणाधीन बिल्डिंग की छत गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई। छत के नीचे दबे से सभी एक दर्जन श्रमिकों को पुलिस ने रेस्क्यू कर सकुशल निकाला। एक मजदूर हुआ गंभीर रूप से घायल, घायल को भेजा गया उपचार है जिला चिकित्सालय। कोतवाली कैंट के इंडस्ट्रियल एरिया के नज़दीक राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित निर्माणाधीन बिल्डिंग में हुआ हादसा। शटरिंग गिरने के मामले में कोतवाली नगर कैंट पुलिस व स्थानीय लोगों ने सभी हल्के फुल्के घायल व्यक्ति को बाहर निकाला, जिसमें एक मजदूर की मौत हो गई। घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया। थाना कैंट के मुमताज नगर का मामला सुनिए, क्या कहते हैं जिला अस्पताल के डॉक्टर व क्या कहते हैं एसपी सिटी। हाईवे के किनारे निर्माणाधीन बिल्डिंग में कार्य चल रहा था, लिंटर के स्तर पर था ये, और इसमें कुछ लोग करीब 12 लोग मजदूर काम कर रहे थे, तो एकाएक जो लिंटर है ये सरिया सहित जो है नीचे गिर गया। इसमें जो है कुछ मजदूर दबे होने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर पूरा फोर्स रेस्क्यू टीम यहाँ पर पहुँची और फिर जानकारी हुई कि नहीं और लोग सुरक्षित निकल गए हैं, केवल एक जो है यहाँ नीचे फंसे हुए हैं, उनको रेस्क्यू टीम के द्वारा पब्लिक के सहयोग से निकाला गया और उनको हॉस्पिटल भेजा गया गंभीर स्थिति में और ट्रीटमेंट के लिए। बाकी यहाँ की जो घटना के संबंध में उसकी जाँच करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, और दबे के होने की संभावना? अभी बता रहे हैं कि अभी और सब लोग सुरक्षित हैं, अभी और कोई नहीं दबा है ऐसा, बट हमारी रेस्क्यू टीम जैसे भी यहाँ तक रहेगी और पूरा मलबा जो है जो भी है उसको किनारे करके एक एक करके चेक किया जाएगा। ये किसका मकान है और कितने युवक इसमें काम कर रहे हैं? ऐसा है कि मैंने बताया करीब 12 लोग थे जो काम कर रहे थे और भी और अन्य कामों में लगे होंगे और जो है ये निर्माणाधीन मंदिर है। बाकी अन्य तथ्यों के बारे में इसको और गहराई से जांच की जा रही है। दबा था उसका क्या नाम? ऐसा है उनको यहाँ से तत्काल गंभीर हालत में है, उनका मोहित से नाम बताते हैं, बाकी पता और हर चीज़ जानकारी करके कन्फर्म करते हैं। नज़दीक एक बिल्डिंग का निर्माण कार्य चल रहा था जहाँ पर आज एक निर्माण कार्य के दौरान एक छत गिर गई। इसमें सरियावन या निवासी मोहित सिंह जी का वहाँ पर जो थे चोटिल होकर जिला अस्पताल आए, जहाँ पर उनके उपचार जब शुरुआत करने की कोशिश की गई तो देखा गया ना उनकी पल्स थी, ना बीपी था, ना ही मतलब कोई वाइटल साइंस थे, तो वो मृत थे जब वो यहाँ पे आए, यानी कि जब वो वहाँ से लाए गए तो मृत पाए गए। और इसमें देखा गया है कि बाकी लोग भी कुछ कई लोग घायल हुए हैं, मगर अभी कोई ऐसी अनहोनी घटना नहीं सुनाई दी है जिसमें कि घायल ज़्यादा चोटिल हुए हों जिससे उनको कोई किसी प्रकार का नुकसान हो।